बात, आप लोग सब खैरियत से होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी एकदम से ठीक हूँ। तो आज मैं आप अभी मैं बनाने वाली हूँ खोया, या फिर मावा भी आप बोल सकते हो, खोया मावा खवा थोड़े लोग बोलते हैं तमिलनाडु में, तो सभी लोग ऐसे ही बोलते हैं कि खवा। तो आज मैं वो बनाने वाली हूँ। तो उसकी रेसिपी बहुत ही ईजी है, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है और इंस्टेंटली बन जाता है। अभी क्या होता है कि दुकान पर जाकर लेते हैं ना, तो उस मावे में भी, मतलब उस खोए में भी ना मैदा ऐड करके रहते हैं, तो सख्त सा रहता है खोया, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट फुरफुरा नहीं रहता है। तो इसीलिए घर पर बनाएंगे तो इंस्टेंटली बन जाता है और इजी भी है, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है इसके। तो चलिए अभी इसके इंग्रेडिएंट्स देखें। तो खोया बनाने के इंग्रेडिएंट्स यही है फ्रेंड्स। ये है दूध का पाउडर, जो कि मैंने 1 कप लिया है। अभी 1 कप की, मतलब 1.5 कप की ज़रूरत है, तो मैं आपको 1 कप दिखाने के लिए मैंने उठा लिया है। ये इतना सा कप है, जो मेजरमेंट आप उठा रहे हो उसी कप से आपको सब इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। तो मैं 1.5 कप लूँगी एक, और इससे आधा लूँगी दूध का पाउडर, और घी, घी मैं 100 ग्राम घी लूँगी इसमें। और जो दूध है, मैंने ये लो फैट है, घर पर यही अवेलेबल था, आप फुल फैट वाला यूज़ कीजिए, अच्छा रहेगा। और दूध जो है, आप जो जिस कप से आप जो मिल्क पाउडर डालेंगे उसी कप से आप दूध भी डालना है। तो मैं 1.5 कप मिल्क पाउडर डाल रही हूँ, तो आपको 1 कप दूध डालना है, तभी आपको परफेक्टली खोए का टेक्सचर मिलेगा। चलिए अभी इसे कैसे बनाते हैं मैं दिखाती हूँ। मैंने एक बर्तन ले लिया है, बिस्मिल्लाह, अभी तो मैंने ऑन कर दिया है। इसमें मैं डालूँगी घी। लो, अभी मैंने घी डाल दिया है, देखिए। अभी दूध ऐड कर रही हूँ मैं। दूध को ऐसे मिक्स करेंगे घी के साथ। आप ये अवन, माइक्रोवेव में ही बना सकते हैं, लेकिन थोड़े घर में अगर माइक्रोवेव ना रहे तो आप स्टोव पे भी ऐसे बना सकते हैं, बहुत ही इजी है। चलिए अभी तो अभी इसमें मैं मिल्क पाउडर ऐड कर दूंगी, जो मैंने मेजरमेंट कहा था आपसे उसी मेजरमेंट के हिसाब से मैंने मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है। सभी सारी जो मिल्क पाउडर है ना, डिजॉल्व करना चाहिए आपको इसमें। देखिए अभी मैं 1.5 कप, मैंने पहले 1 कप दिया और अभी मैं फिर आधा कप डाल रही हूँ इसमें। मार्केट के खोए से बहुत अच्छा रहता है ये खोया। मार्केट में मैदा सब ऐड करते हैं, ये इंस्टेंटली है और कुछ भी मिलावटी नहीं है इसमें। मैंने फ्लेम जो है स्लो में ही रखकर हूँ, मैं स्लो में ही बनाना है, बिकॉज नीचे फिर लाल थोड़ा हो जाएगा ना, इसीलिए स्लो फ्लेम में ही मैं बना रही हूँ ये। अच्छे से इसे स्टीर करना चाहिए, इसे छोड़कर नहीं बैठ जाओ, क्योंकि अगर बैठ जाओगे तो जल जाएगा आपका खोया। तो आपको अच्छे से हिलाते रहना चाहिए ताकि आपका जो खोया मेवा जो भी है अच्छे से बन जाए। मैं रेकमेंड करूंगी मोस्टली आपको नॉनस्टिक में ही बनाए, नॉनस्टिक में प्रॉब्लम नहीं होती है। देखिए इसका टेक्सचर बन रहा है, देखिए। मैं इसे मेवे, इस खोए को मैं स्वीट्स में डालती हूँ, तो स्वीट्स में डालती हूँ
तो यहाँ पर यूजुअली कुवैत में अवेलेबल नहीं होता है खोया, तो अगर मिला तो भी अमूल का मिलता है, थोड़ा सा ही मिलता है, तो उसमें क्या, और एक्सपेंसिव भी ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा मुझे इसलिए मैं घर पर ही बना लेती हूँ, और इजी है इंग्रेडिएंट्स, आपने देखा ही होगा मेरे वीडियो में, तो इस वजह से अभी मैं बना रही हूँ। और ये वीक एज यूजुअल मैंने आपको कहा था कि मेरे हस्बैंड का बर्थडे वीक है, तो उन्हें कुछ स्पेशल फील कराने के लिए मैं सरप्राइज दे रही हूँ ना आज, तो मैं बीटरूट का हलवा बनाने वाली हूँ, तो इस वजह से मैं आपको ये इंग्रेडिएंट जो खोया है उसका जो रेसिपी है मैं बता रही हूँ, और इंशाल्लाह मैं बीटरूट की रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, देखते हैं, क्योंकि बिकॉज हर हस्बैंड ना अपनी वाइफ को स्पेशल हमेशा फील कराते हैं, वाइफ और बच्चों के लिए सब कुछ जान निछावर कर देते हैं, मेरे हस्बैंड स्पेशली वैसे ही है मेरे लिए, और अजहान के लिए बहुत कुछ करते हैं, हम लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो हमें भी उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए ना कि वो स्पेशल फील करे, और मुझे ना दिल से ख्वाहिश है मेरे हस्बैंड के लिए मैं सब कुछ करूँ, उनकी उनकी सारी खुशियाँ, दुनिया की सारी खुशी उनके लिए ला कर दे दूँ, तो इसलिए थोड़ा उन्हें स्पेशल फील होता है, अगर मैं कुछ उनके लिए ऐसा कुछ करती हूँ ना तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, मैं हमेशा उनके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल फील कराने के लिए एवरी डे कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, तो अभी तो इनका बर्थडे वीक है तो और भी स्पेशल कुछ करना चाहते, तो आज तो उनके लिए सारे पकवान घर के जो भी है मैंने उन्हीं के फेवरेट बनाए, जैसे कि मैंने प्रॉन्स फ्राई बनाया और अंबाड़ा भाजी, खोया कितना अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है, ये स्टिक भी नहीं हो रहा है जस्ट क्योंकि घी रिलीज हो चुका है, स्टिक भी नहीं है अभी, थोड़ा इसे गरम गरम है तो थोड़ी देर के लिए अगर आप चाहें तो ऐसे रूम टेम्परेचर में भी रख सकते हैं, बिकॉज दैट बट मुझे बहुत अर्जेंट है, अभी मुझे हलवा भी बनाना है, मेरे हस्बैंड का आने का टाइम भी हो चुका है, तो इसलिए उन्होंने वो आने से पहले ही मैं बनाना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैं ये फ्रिज में रख दूंगी थोड़ी देर के लिए। ये मैंने 15 से 20 मिनट फ्रिज में रखे थे और अभी मैं देख रही हूँ उसका टेक्सचर, देखिए अभी ये भी मैं हाथ लगा रही हूँ कितना सॉफ्ट सा है, कितना फुटर फुटर सा है, बहुत ही अच्छा सा खोया बनता है घर पर। आप देख सकते हैं मैंने कितना अच्छे से बनाया है, तो गाइस आप भी आप लोग घर पर ये ट्राई कीजिए, इतना इजी और सिंपल सी रेसिपी। तो गाइस कैसी लगी मेरी ये रेसिपी ज़रूर बताना खोएगी, और कम लाइक ज़रूर करना मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो। बहुत ही स्वीट, मतलब स्वीट मतलब शक्कर तो नहीं डाला है, क्योंकि हम लोग स्वीट्स में यूजुअली फीका खोया ही डालते हैं, मावा डालते हैं, तो जो दूध के पाउडर की जो मिठास होती है वो थोड़ी है, और बहुत ही टेस्टी है गाइस, आप लोग भी ज़रूर ये रेसिपी घर पर ट्राई कीजिए, अगर अच्छी लगे तो मेरी वीडियो लाइक कीजिए, शेयर करना जितना हो सके, और सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि मैं जब भी आपको वीडियो भेजूँ तो अगले आपको नोटिफिकेशन में ज़रूर मिलेगी। चलिए चलते हैं, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल, बाय बाय। Let's harden the fish. Here comes the beetroot halwa. Yummy. Sa. Wow. A cute and a small surprise for you. Thank you. I like it. Come on. Birthday week kar ko. Dekh dale, matlab wo achhi. Wait, don't make noise. What is this? It's prawns. I like it. What about this? It's what is this? Ambadi ki bhaji. Oh, I didn't.